वेलकम स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल हेल्थ प्रभा को और पाइए मेडिकल से रिलेटेड लेटेस्ट खबरें। स्टूडेंट, पिछला वीडियो बनाने के बाद कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट था कि सर नेट के एग्ज़ाम के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा या अलग से इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले सभी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और फिर वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस वीडियो में पूरी जो आपके मन में पूरा जो डाउट था बीएससी नर्सिंग संबंधित, पिछले कुछ दिनों से जो स्टूडेंट है वो काफ़ी असमंजस में थे कि सर जो नीट के द्वारा बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या अलग से यूनिवर्सिटी है वो RUHS कंडक्ट करवाएगी। और भी काफ़ी स्टूडेंटों के मन में डाउट था कि सर हमें नीट का एग्ज़ाम वो फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपकी पूरी जानकारी है वो आपको क्लियर हो जाएगी, इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंटों को रिकमेंड किया जाता है वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपकी प्रत्येक जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंटों के मन में डाउट था पिछला वीडियो बनाने के बाद। स्टूडेंटों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि RUHS इंट्रेंस बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नीट के थ्रू होगा। स्टूडेंट, ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था और क्यों कहा था ये भी आपको बताया है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक मैगजीन दिखाया था जो उसमें दिखा रखा था कि RUHS BSc नर्सिंग है वो नीट के थ्रू होगी। स्टूडेंट, लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंटों के मन में डाउट था कि सर नीट के एग्ज़ाम के थ्रू होगी या अलग से RUHS इंट्रेंस एग्ज़ाम होगी। तो इस वीडियो में आपका पूरा डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंटों के मन में डाउट था कि सर राजस्थान में जो अदर स्टेट वाले वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट, पूरे जो भी आपके मन में डाउट थे वो इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यही रिकमेंड किया जाता है, जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें, ताकि आप जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट है वो आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। कुछ स्टूडेंट है वो वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ताकि वो अपडेट से मिस रहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखें, ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। स्टूडेंट, जिसने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखा होगा तो उसको तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, संपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर प्रोवाइड होगी। स्टूडेंट, तो सबसे चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें नीट का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं, हमें बीएससी नर्सिंग में राजस्थान में बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लेना है। स्टूडेंट, तो हमें नीट का एक जो फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम इस डाउट का क्लियर करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने पिछला वीडियो तो देखा होगा, हमने क्यों कहा था कि आपको नीट का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। स्टूडेंट, हम दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, NTA यानी कि जो नीट का एग्ज़ाम करवाती है और RUHS इंट्रेंस एग्ज़ाम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है हेल्थ साइंस, उसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि क्या वहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है इससे संबंधित। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख रहे हो, हम सबसे पहले हम नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। स्टूडेंट, तो हम सर्च करते हैं नीट ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए स्टूडेंट, वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है या नहीं। वहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, हम नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म से संबंधित कोई जानकारी आई हुई है नहीं। सबसे पहले आपको पता होगा कि अभी नेट के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। स्टूडेंट, अभी लास्ट डेट जो है नज़दीक है। स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, ये नीट से संबंधित नोटिफिकेशन आया हुआ था। स्टूडेंट, लास्ट डेट आप मैंने पिछले वीडियो में बताया था 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट, तो चलिए हम जिस बात की जानकारी गेन करना चाहते हैं चलिए गेन कर लेते हैं। स्टूडेंट, कि बीएससी नर्सिंग से संबंधित यहाँ कोई कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ या नहीं आया हुआ। स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट, यदि कोई स्टूडेंट नीट का फॉर्म फिलअप करना चाहता है कर सकता है, लास्ट डेट 10 अगस्त है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक तो नीट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, नीट यूजी। दूसरा नोटिफिकेशन आप नीचे देख सकते हो, पब्लिक नोटिस, यानी कि 3 तारीख को यह नोटिस आया हुआ है, 3 अगस्त को बीएससी नर्सिंग के लिए स्टूडेंट नोटिफिकेशन आया। इसमें हम चेक कर लेते हैं क्या इससे संबंधित कोई सूचना है बीएससी नर्सिंग से संबंधित। तो चलिए स्टूडेंट डाउनलोड कर लेते हैं इसमें क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये अभी ये हो रहा है लोड। तो स्टूडेंट ये लोड हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेड कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर देंगे स्टूडेंट। हमने इसे पहले रीड कर लिया था, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें यह जो पूरा नोटिफिकेशन है इसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है हम ये बता देते हैं स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी, यानी कि चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो या बिहार हो, वो अपना जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नीट के थ्रू दिलवा सकती है स्टूडेंट। उसमें प्रवेश नीट के थ्रू दिलवा सकती है। लेकिन ये नोटिफिकेशन इस संबंध में नहीं है, इस संबंध में है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, यानी कि वो चाहे तो अपना RUHS इंट्रेंस एग्ज़ाम या अदर जो स्टेट है वो अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ले सकती है अदर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से। नीट की तरफ से यानी NTA की तरफ से कोई भी दबाव नहीं है उस पर कि नीट के थ्रू ही हो स्टूडेंट। इसमें यह बात क्लियर की गई स्टूडेंट, यानी कि जो यूनिवर्सिटी चाहती है कि नीट के थ्रू वो नीट के थ्रू दे सकती है, और जो यूनिवर्सिटी चाहती है कि अपना स्वयं का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर बीएससी नर्सिंग में प्रवेश दिलाएं तो वो स्वयं का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले सकती है। तो अब बात रही स्टेट की यूनिवर्सिटी पर, यानी कि नीट तो NTA जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यही लिखा हुआ है। अब यह डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि वो नीट के थ्रू हो या आपका जो स्वयं का एंट्रेंस एग्ज़ाम वो लिया जाए स्टूडेंट। अब जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे BHU आदि जो नीट के थ्रू इसमें एडमिशन होगा उसमें नोटिस आ चुका है। लेकिन काफ़ी स्टेट है जैसे राजस्थान हो गया, MP में तो अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, वहाँ नोटिफिकेशन आ चुका है। और BHU में किसके द्वारा होगा? नीट के द्वारा होगा। वहाँ भी हर साल नीट के द्वारा और इस साल भी नीट के द्वारा होता है। लेकिन कुछ स्टेट हैं जिसमें अभी यह क्लियर नहीं हुआ, जैसे राजस्थान है। अब काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे राजस्थान से कि सर इसमें नीट से संबंधित कोई जानकारी या नीट के द्वारा होगा या यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा। तो चलिए हम इसकी जानकारी गेन कर लेते हैं कि नीट के द्वारा होगा या स्वयं का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं जो राजस्थान में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी करवाती है RUHS, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं कि कोई इससे संबंधित नोटिफिकेशन आया हुआ है या नहीं आया हुआ। चलिए जांच करते हैं स्टूडेंट। वीडियो को पूरा देखिए स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट वीडियो को पूरा नहीं देखते ताकि इसलिए उनमें जानकारी है वो पूरी नहीं मिल पाती है स्टूडेंट। हम अभी चेक कर लेते हैं, पूरा बायोडाटा इसका निकाल कर रहेंगे स्टूडेंट। आज आपको क्लियर हो जाएगा पूरी, और पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं राजस्थान की। ये देखिए स्टूडेंट, राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है उस पर हम आ चुके हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर स्टूडेंट। ये न केवल बीएससी नर्सिंग जबकि फार्मेसी, पैरामेडिकल वह कई एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है। तो इस पर हम चेक कर लेते हैं कि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है नहीं आया। स्टूडेंट आप देख सकते हो इसके संबंधित अभी इसमें हमें देखिए स्टूडेंट कोई भी नोटिफिकेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है इससे संबंधित, यानी कि अभी इस यूनिवर्सिटी ने कोई भी बात है इससे संबंधित नहीं बोली है स्टूडेंट। इसमें कोई भी जो है नोटिफिकेशन हमें नहीं आया। चलिए हम स्पेशल बीएससी नर्सिंग में चेक कर लेते हैं। ये एडमिशन में जाकर नर्सिंग, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है या नहीं आया। ये देखिए स्टूडेंट आप देख सकते हो ये काउंसलिंग 2020 का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन है वो नहीं आया कि नीट के थ्रू होगा या एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। तो चलिए इसके द्वारा यह साबित हो चुका है कि अभी इस यूनिवर्सिटी ने कोई भी बात नहीं कही है कि नीट के द्वारा होगा या RUHS जो RUHS इंट्रेंस एग्ज़ाम हो अलग से लिया जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए, तो स्टूडेंट इससे यह सिद्ध होता है कि अभी आपका कोई भी जो है कन्फर्म नहीं है कि नीट के थ्रू होगा या RUHS BSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो फिर आप कहेंगे सर हम आपने पिछले वीडियो में बताया था कि नीट के थ्रू होगा। तो स्टूडेंट हमने बताया था कि अभी कोई कन्फर्म नहीं है, हमने आपको एक मैगजीन दिखाया था उसमें यह मेंशन किया हुआ है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के मन में डाउट आ कि अभी कोई क्लियर नहीं है तो हमें नीट का फॉर्म है जो नीट का फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है हमें देनी चाहिए। स्टूडेंट सबसे पहला डाउट हम क्लियर कर देते हैं। स्टूडेंट नीट की डेट है लास्ट 10 अगस्त। अभी आपका कोई कंफर्मेशन नहीं है तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको नीट का फॉर्म है वो फिल कर देना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ने कोई अभी बात नहीं बोली। यदि मान लो नीट का फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, फिर नीट के फॉर्म मान लो 10 तारीख को क्लोज हो जाएंगे, फिर 12 तारीख को मान लो नोटिफिकेशन आ गया कि नीट के थ्रू होगा। अगर आपने नहीं भरा होगा तो आपकी पूरी साल खराब हो जाएगी स्टूडेंट। और मान लो यदि नीट के थ्रू नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी ने सेम इंट्रेंस एग्ज़ाम RUHS यूनिवर्सिटी सेम का इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है स्टूडेंट, और आपने नीट का फॉर्म भी फिलअप कर दिया, तो स्टूडेंट इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि नीट में भी आपको पता है सिलेबस लगभग सेम है दोनों का। नीट में भी 11th 12th NCERT आती है, इसमें भी 11th 12th NCERT। यदि आप नीट के एग्ज़ाम दोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी स्टूडेंट, जी हाँ, जिससे आप RUHS का पेपर क्लियर कर पाएंगे। क्या पता आपका इधर जो मेडिकल है MBBS जो BDS उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारा रिकमेंड है, आप नीट का फॉर्म भरिए, और यदि नीट में नहीं होता फिर RUHS का फॉर्म फिलअप कर देना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यदि आप नीट का फॉर्म फिलअप कर दोगे तो स्टूडेंट आप सेफ जोन में रहोगे, आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या नीट का फॉर्म फिलअप करने के बाद या फिर RUHS अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करवाए या नीट के द्वारा हो स्टूडेंट। अगला डाउट था स्टूडेंट का, ये डाउट क्लियर हो गया। अगला डाउट था कि सर राजस्थान में है वो अदर स्टेट वाले के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं क्या राजस्थान में? जी हाँ स्टूडेंट, राजस्थान जो आपने अभी देखा RUHS एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, यह MBBS नीट कई जो MBBS है BDS है कई प्रकार के बड़े एग्ज़ाम करवाते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया के स्टूडेंट। जो 15% सीट आरक्षित है वो अदर स्टेट की है और 85 राजस्थान थे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना है, जिससे आप कोई भी अपडेट है वो मिस ना करें स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपके पूरे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई किसी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट हो तो वह नीचे कमेंट कर सकता है स्टूडेंट, और सभी प्रत्येक स्टूडेंटों का आप देख सकते हो कि वो आंसर दिया जाता है, प्रत्येक स्टूडेंट का डाउट क्लियर किया जाता है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। धन्यवाद स्टूडेंट।